रायगढ़ में जिला कांग्रेस कमेटी एवं अल्पसंख्यक वर्ग के संयुक्त तत्वाधान में 5 सितंबर को शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। सबसे पहले दीप प्रज्वलन कर अतिथियों ने समारोह के परिप्रेक्ष्य में और गुरु के महत्व के संबंध में बताया। उसके बाद शाल और श्रीफल भेंट कर शिक्षकों को सम्मानित किया गया। इसमें शामिल शिक्षकों ने कार्यक्रम की सराहना की। इस कार्यक्रम में शहर कांग्रेस के जिला के पदाधिकारी और सहयोगी शामिल रहे। आपको बता दें, जिला अध्यक्ष अनिल शुक्ला और प्रदेश अध्यक्ष अल्पसंख्यक विभाग के उपाध्यक्ष शेख ताजीम के पहल पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बतौर अतिथि के रूप में विधायक प्रकाश नायक, नगर निगम की महापौर जानकी काटजू, सभापति जयंत ठेठवार शामिल रहे। रायगढ़ से मोहन नायक की रिपोर्ट। सभी सम्मानित शिक्षकों को बुलवाया गया था जिला कांग्रेस भवन में और उनका सम्मान किया गया। बड़ा खुशी का अवसर रहा कि कार्यक्रम में आदरणीय विधायक जी, आदरणीय महापौर जी, सभापति, जिला कांग्रेस के अध्यक्ष और सारे कांग्रेस के पदाधिकारी, सारे शिक्षकगण उपस्थित थे और हम लोग के द्वारा बीच बीच में भी कुछ न कुछ सामाजिक कार्यक्रम रखा जाता है। कांग्रेस अल्पसंख्यक के द्वारा यह कार्यक्रम रखा गया था और आगे भी रखा जाएगा। कोविड महामारी चल रही है और आज शिक्षक दिवस है। आज के दिन हम शिक्षकों का सम्मान किए हैं सांगठनिक रूप से और आज के दिन मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी गुरुजनों का अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ और सभी को शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। हम समारोह रखा गया, हमें बहुत ही अच्छा लगा। आप लोगों ने शिक्षक को इस तरह से सम्मान दिया, इससे और भी हम लोगों को गौरवान्वित महसूस हुआ और इसी तरह से हमेशा शिक्षकों का सम्मान मिलता रहे, इससे हम लोगों में हर जो सम्मान समारोह रखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है सर। मैं अपने गवर्नमेंट स्कूल ऑफ एक्सीलेंस सरदार वल्लभ भाई पटेल की तरफ से आप सबका अभिनंदन करती हूँ। थैंक यू, बोलती हूँ। हैप्पी टीचर्स डे। शिक्षक दिवस के दिन आज मनाते हैं और कल भूल जाते हैं, ऐसा ना हो। शिक्षक दिवस में अभी शुरू हुआ जैसे परंपरागत रूप से आ रहा था वो मनाया जाए और शिक्षक दिवस के उद्देश्य पर अमल करें और अमल करवाने का प्रयास करें।